पाकिस्तान ने तो श्रीलंका को हिलने भी नहीं दिया। ये जो कलंबो का ग्राउंड है, एससीसी सिन्हालीज क्रिकेट क्लब, ये श्रीलंका का गढ़ है। 1984 में श्रीलंका ने अपनी क्रिकेट की शुरुआत यहीं से की थी, टेस्ट में। यानी इन्होंने अगर कहीं पे अपनी जड़ें रखी हुई हैं तो वो ये ग्राउंड है। और इस ग्राउंड में श्रीलंका को 166 पे ऑल आउट करके डोमिनेट करना और बैटिंग में तेज खेलना, यानी अपनी मर्जी से वैसी क्रिकेट खेलना जैसी क्रिकेट आप खेलना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आज पाकिस्तान ने वाकई बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है। और क्रिकेट में नहीं, 1.5-2 दिन से पाकिस्तान स्पोर्ट्स की बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। स्क्वॉश में आप चैंपियनशिप जीत रहे हैं, अमर्जिंग एशिया कप आप जीत गए, फिर आज पूरा दिन आपने डोमिनेट किया है हर डिपार्टमेंट में। सो पाकिस्तान स्पोर्ट्स की तो सारी उंगलियां घी में है, माशाल्लाह। तो पाकिस्तान फैंस को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। श्रीलंका ने इस वेन्यू में 850 किया हुआ है, एक दफा 850 तो नहीं, 756, चलो 850 ही कह लो, 750 कह लो, 750 किया वह श्रीलंका ने इस ग्राउंड में। मतलब इस ग्राउंड में श्रीलंका हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है, और इस ग्राउंड में अगर आप उनको 166 पे ऑल आउट कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। कंडीशंस भी बड़ी जबरदस्त थी, वेदर ने बड़ा हेल्प किया, विकेट ने बड़ा हेल्प किया। नसीम शाह की बॉलिंग ले लें, फिर अबरार की बॉलिंग ले लें, ओवरऑल एज ए बॉलिंग यूनिट पाकिस्तान ने बड़ा डोमिनेट किया। लेकिन बैटिंग में हम ऑब्वियसली हम तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान आराम से बैटिंग करेगा, जो कि पाकिस्तान का तरीका है कि तकरीबन वो 3.5 के रन रेट से तकरीबन वो बैटिंग करते हैं। लेकिन शान मसूद पे आपको पता ही है कि आज मैंने बात करनी करनी है, क्योंकि मैं आपको बड़े अरसे से कह रहा हूं कि शान मसूद को आप पसंद करें या ना करें, लेकिन शान आपका तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए, बिकॉज ही इज द ओनली प्लेयर जो कि आपकी क्रिकेट की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। आज आप थोड़ा सा शायद एडमिट कर जाएं इस बात को, इससे पहले आप एडमिट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप लोग बैक नहीं करते फेलियर्स को। अगर कोई प्लेयर कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो फेलियर की तरफ जा रहा है, तो आप लोग बैक नहीं करते। शान जब से वापस आया है टीम में, अब आप लोगों के माइंड में शान का वो पुराना इमेज है, लेकिन जब से वो वापस आया वर्ल्ड T20 में, आपने देखा कि ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट इन एवरी मैच, और वो बहुत ज्यादा फेलियर्स की तरफ जा रहा है। फिर लोग उसके स्कोर निकालते हैं कि यार उसका स्कोर नहीं है, उसका स्कोर नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको बेसबॉल बड़ी पसंद है, आपको अगर इंग्लैंड का तरीकाकार बड़ा पसंद है, वो टीमें डोमिनेट क्यों करती हैं कि वो अपने प्लेयर्स को हद से ज्यादा बैक करती हैं। सो आपने देखा कि शान बड़ी देर से कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा था। इवन पिछले टेस्ट मैच में जब उसने एक 30 की छोटी सी नॉक खेली, तब भी उसने स्टेटमेंट दी थी कि मैंने इंटेंशनली ये नॉक खेली है, मतलब मुझे ये टारगेट दिया गया है, मैं उस तरफ क्रिकेट की डायरेक्शन ले जाना अपनी चाह रहा हूं, जहां पे हम थोड़ा सा अपना रन रेट को इंप्रूव करें। सो अगर शान आज आपको उसकी इनिंग्स बड़ी पसंद आई है क्योंकि उसने 50 की है, अब कल अगर वो 20-25 पे आउट हो जाता है, स्टिल यू नीड टू बैक हिम। आप उसको T20 में भी बैक करें, आप उसको ऑब्वियसली ODI में भी बैक करें। मैं ये नहीं कह रहा ODI में अभी उसको डाल दें, अभी तो उसकी जगह ही नहीं है ना, अभी तो वो बेंच पे बैठेगा। हम फजूल बात नहीं करेंगे कि जबरदस्ती किसी को डाल दें, T20 में वो बनता है, सीधी बात है भाई, जो उसका तरीकाकार है खेलने का, वो वन डाउन इजिली वो कहीं पर भी बैट कर सकता है, सीधी सी बात है। टेस्ट में ऑब्वियसली आपने देखा कि किस तरह उसने अपना इंटेंट शो किया है। फिर आप अब्दुल्ला की बड़ी तारीफ करें, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो अब्दुल्ला ने भी आज जिस तरह की बैटिंग की है, पाकिस्तान ने इतनी जल्दी 100 कर दिया, मतलब अभी भी अगर आप पिछले टेस्ट मैच में देखें, पिछले टेस्ट मैच में क्या हुआ था, 1-1.5 दिन के बाद पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी खराब थी, और तब पाकिस्तान फैंस कह रहे थे कि पाकिस्तान मैच से बाहर हो गया, पाकिस्तान मैच हार गया। तब भी मैंने आपको कहा था कि 1-1.5-2.5 दिन के बाद आप कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई टीम टेस्ट मैच से बाहर हो गई है। उसी तरह इस टाइम पहले दिन के बाद आपको लग रहा है कि श्रीलंका टेस्ट मैच से बाहर हो गई है, ऐसा नहीं मेरी जान। ये जो विकेट है SCC की, सिन्हालीज क्रिकेट क्लब की, चौथे दिन की सुबह आपको पता लगेगा कि इस विकेट के अंदर क्या है। चौथे दिन तक अगर खेल जाता है, जो कि मुझे लगता है चला जाएगा, पाकिस्तान अगर कल पूरा दिन बैटिंग करता है, परसों अगर श्रीलंका की बैटिंग आती है, चौथे दिन तक खेल जाएगा, चौथे दिन आपको इस विकेट में बहुत ज्यादा स्पिन देखने को मिलेगी। और श्रीलंका इस टेस्ट मैच में वापस आएगा, अगर आपको लगता है कि श्रीलंका 166 पे ऑल आउट हो गया है, पाकिस्तान ने दूसरे दिन बड़ी अच्छी बैटिंग की है, तो पाकिस्तान तकरीबन इस टेस्ट मैच जीत गया, ऐसा नहीं होगा। श्रीलंका ने इस टेस्ट मैच में वापस आना ही आना है, और जैसे पाकिस्तान वापस आया था वैसे श्रीलंका भी वापस आएगी।
पाकिस्तान ने बॉलिंग बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की, श्रीलंका पे थोड़ा सा प्रेशर भी था पिछले मैच हारने का, लेकिन वो कम बैक करेंगे। सो पहले दूसरे ढाई दिन के बाद हम कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यार फलां टीम मैच हार जाएगी या जीत जाएगी। सो अभी तो ये टेस्ट मैच शुरू हुआ है, लेकिन ये तय है कि आज का दिन पाकिस्तान के नाम था, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, तीनों डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है। और श्रीलंका में लोग ऐसे ही शर्ट पहनते हैं, तो मैंने कहा मैं यही शर्ट पहन के वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आए शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।